हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो आज हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे वो हमारे नॉर्टन थ्योरम के ऊपर बेस करता है। तो नॉर्टन थ्योरम के बारे में आपको पहले मैं बता दूं कि इसमें आपका एक जो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट आखिर में जो बनता है उसमें आपका करंट सोर्स होता है एक, उसके साथ एक पैरेलल रेजिस्टेंस होती है और साथ उसके पैरेलल एक लोड रेजिस्टेंस होती है। तो हम इसमें देख लेते हैं कि हमें नॉर्टन थ्योरम के अंदर जो है हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। इसमें अगर हम लोग पहले देखें तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, अगर हम बुक से देखते हैं, अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे पास ये नॉर्टन थ्योरम है तो आपके पास ये जो मैंने अभी बात की है कि आपके पास आई नॉर्टन है, एक करंट सोर्स आएगा, उसके बाद आपने फाइंड करना आर नॉर्टन, उसके साथ रेजिस्टेंस जो पैरेलल आ जाती है, ये आपका नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है। और यहाँ पे ए भी जो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं आपको, यहाँ पे आपका कोई भी लोड रेजिस्टेंस है। अच्छा, सबसे पहले आपने करना कि आपके पास कोई भी अगर कोई सर्किट गिवन है, फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे थे एक्सपेरिमेंट में हमारे पास कौन सी सर्किट डायग्राम है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये सर्किट है और हम लोगों ने इसमें फाइंड करना है आई नॉर्टन जो है और आर नॉर्टन फाइंड करना है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि पहले हमने आर नॉर्टन फाइंड करना है। तो आर नॉर्टन एक तरह की आपकी थेवेनिन रेजिस्टेंस ही है, जिसमें हम क्या करते हैं कि आपने वोल्टेज सोर्स जो है जितने भी इसके अंदर वोल्टेज सोर्स होंगे या नेटवर्क के अंदर या करंट सोर्स होंगे उसको वोल्टेज सोर्स को आप शॉर्ट करते हैं और करंट सोर्सेज को आप ओपन करते हैं। और आपके पास जो ए बी के जो पॉइंट्स के यानी कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगी होती है जिसको लोड रेजिस्टेंस कह रहे हैं इसको हम रिमूव करते हैं। जब आप इसको रिमूव करेंगे तो आपके पास सर्किट ये बन जाएगा जिसने आर नॉर्टन यहाँ पे फाइंड करें, जिसको हम आर थेवेनिन भी कह सकते हैं। आर नॉर्टन जो नॉर्टन जो है आपने फाइंड करना है, ये आपने रिमूव किया यहाँ से और आपने अब इस यहाँ से आपने चेक करना है कि कौन सी रेजिस्टेंस आपके सीरीज में कौन सी पैरेलल है। इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप यहाँ से आप करंट को मूव कराएं, करंट को मूव कराएं और यहाँ पे आपका स्प्लिट हो गया, करंट जो है यहाँ पे कुछ चला गया, करंट कुछ आपका यहाँ पे चला गया। अब ये करंट जो है सेम जा रहा है आर वन और आर टू में से, इसका मतलब है इसमें ये रेजिस्टेंस जो है ये सेम ये आपस में सीरीज में, क्योंकि सेम करंट जा रहा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस आपस में ये सीरीज में है। और एक यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होता है, एक करंट यहाँ पे आपका डिवाइड हो गया, यहाँ पे चला गया, कुछ यहाँ पे चला गया, इसका मतलब क्या है, जो दो डिफरेंट करंट्स यहाँ पे गए हैं तो इसका मतलब है कि ये दो रेजिस्टेंस आपस में जो सीरीज में थी एक रेजिस्टेंस बनेगी। और जब एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हम दोनों को सीरीज में करके एक रेजिस्टेंस जो बनेगी तो आपके पास ये दोनों रेजिस्टेंसेस जो होंगे आपस में पैरेलल में आ जाएंगी। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा भी हुआ है, ये दोनों रेजिस्टेंसेस आपस में सीरीज में सॉल्व हो जाएंगी और फिर जो इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा जो सम करके आएगा वो पैरेलल हो जाएगा आर थ्री के। ये यहाँ पे मैंने आर वन और आर टू, आर वन प्लस आर टू को मैंने एक ही यानी कि रेजिस्टेंस के साथ डोनेट कर दिया, जिसका डिनोट कर दिया मैंने यहाँ पे आर वन टू के साथ। और अब मैंने यहाँ पे पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया आर वन टू पैरेलल टू आर थ्री जो है, तो इसका क्या आर वन टू इंटू आर थ्री ओवर आर वन टू प्लस आर थ्री, ये आपका यहाँ पे आर नॉर्टन आ जाती है रेजिस्टेंस जो है। इसके बाद आप लोगों ने फाइंड करना है आई नॉर्टन। आई नॉर्टन फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, जो आपके दो पॉइंट थे ए बी जहाँ पे आपकी लोड रेजिस्टेंस लगी थी इन दोनों को आपस में आपने शॉर्ट कर देना, ये मैंने शॉर्ट कर दिया, और वोल्टेज सोर्स को आपने दोबारा इसमें यानी कि इंसर्ट कर देना सर्किट के अंदर। अब आपने देखना है, अब आपने नॉर्टन करंट फाइंड करना है इस शॉर्ट सर्किट के अंदर से, अब शॉर्ट वायर में से कह सकते हैं। तो अब आप देखें कि करंट यहाँ से फ्लो होगा, इस बैटरी में से जाएगा आगे जाएगा, और इस ये जो करंट है बजाय है कि इस रेजिस्टेंस के मूव करने से ये आपका इस यहाँ पे नहीं जाएगा करंट, आपका आपका ये शॉर्ट सर्किट में से चला जाएगा। क्योंकि अब करंट हमेशा ये याद रखिएगा कि मिनिमम करंट रेजिस्टेंस यानी कि मिनिमम रेजिस्टेंस को देखता है कि वो यहाँ पे जिस जहाँ पे इसको रेजिस्टेंस हाई नजर आएगी वो वहां से मूव नहीं करेगा, बल्कि जो उसको मिनिमम रेजिस्टेंस मिलेगी या वहां से अब वो मूव कर जाएगा। अब जैसा यहाँ से करंट फ्लो होगा बैटरी में से और यहाँ से चलता होगा वापस यहाँ पे चला गया, यहाँ से आएगा इस शॉर्ट सर्किट वायर में से और यहाँ पे वापस चला जाएगा। अब आप इसमें देखें कि हमारे पास ये सीरीज सर्किट एक बन जाता है, इस रेजिस्टेंस में से नहीं करंट जाएगा, तो आपका टोटल नॉर्टन करंट क्या होगा, आई नॉर्टन इक्वल टू वी ओवर आर वन प्लस आर टू, ये आपको यहाँ पे आई नॉर्टन आप लोगों ने फाइंड कर लेना है। इसके बाद आप लोगों ने फाइंड करना है, मैं ये टेबल में चीजें जो आपके मालूम करनी है मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। आई नॉर्टन आपने फाइंड कर लिया, आर नॉर्टन फाइंड कर लिया, आई एल फाइंड करना है, और ये भी। अब आपके पास नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट अब आपके पास आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने आई नॉर्टन फाइंड कर लिया तो आपके पास ये आपने करंट सोर्स को बना दिया और इस तरह आपके पास आई आर नॉर्टन आपके पास आ गया जिसको आपने पैरेलल लगा दिया। याद रखें कि हमेशा करंट सोर्स के अंदर जो है रेजिस्टेंस हमेशा पैरेलल लगती है, ये आपका करंट सोर्स है। फिर
ठीक हो गया, ये करंट सोर्स आपका हमेशा रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में लगेगी, जबकि वोल्टेज सोर्स में जो है आपके हमेशा रेजिस्टेंस सीरीज में लगेगी। ये आपका वोल्टेज सोर्स है और ये आपकी, इसमें देख लें आपके पास रेजिस्टेंस जो है सीरीज के अंदर लगी हुई है, ठीक है। ये आप दोनों चीजें याद रखनी है। और हम देखते हैं, हमने करंट सोर्स हमारे पास आया था आई नॉर्टन जो है, और आर नॉर्टन हमारे पास आ गया था, हमने दोनों पैरेलल में लगाया और उसके साथ हमारे पास पैरेलल में रेजिस्टेंस हमने लगा दी जो हमारे पास लोड रेजिस्टेंस थी इस सर्किट की। ये इस सर्किट का जो है हम लोगों ने बनाया है नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट जो कि ये है, और इसमें आप देख लें कि ए जो आपके पास ये रेजिस्टेंस है ये आपके पैरेलल में ही लगी हुई है, तो यहाँ पे भी आपके पास पैरेलल में आ जाएगी। अब आपने इसमें से फाइंड करना आई एल यानी कि जो लोड करंट है वो आपने फाइंड करना, लोड करंट किया जो आपके आर एल में से गुजर रहा है। तो अब आपने आई लोड करंट मालूम करना है तो आपका क्या है यहाँ पे करंट डिवाइडर रूल लग जाएगा, क्योंकि दो यहाँ पे यहाँ से आपके पास सोर्स का करंट आता है तो एक कुछ करंट आपका यहाँ पे चला जाता है और कुछ आपका करंट यहाँ पे आज चला जाता है, ठीक है। ये दोनों करंट डिवाइड एक तरह से डिवाइड करंट डिवाइडर रूल यहाँ पे लगेगा क्योंकि यहाँ पे करंट डिवाइड हो गया। तो करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे तो आपका क्या होगा आर नॉर्टन डिवाइडेड बाय आर एन प्लस आर एल ये, और इंटू इंटू आपका टोटल करंट क्या आई नॉर्टन जो है इंटू आई एन कर दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ से आपका आई एल आ जाएगा। तो उसके बाद आप उसने कहा है कि आपने वी ए बी फाइंड करना है, वी ए बी आपका वही है जो यहाँ पे रेजिस्टेंस के क्रॉस आ रहा है, तो वी ए बी इजिकल टू वी एल इजिकल टू यहाँ से कौन सा करंट गुजर रहा है आई एल इंटू आर एल, ये सिंपली ओम्स लॉ हमने लगाया वी एल इजिकल टू आई एल इंटू आर एल। आपके पास ये करंट भी आ गया मालूम हो गया, ये भी मालूम हो गया, ठीक है। आप लोगों ने मेयर्ड में जो है आप लोगों ने सिमुलेटेड वैल्यूज लिखनी है और कैलकुलेटेड के अंदर आप लोगों ने ये फार्मूले के थ्रू वैल्यूज लिखनी है जो आपके पास यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इन फार्मूलेज के थ्रू जो आपके पास वैल्यूज है वो आपने लिखनी है, और जो फार्मूला जो कैलकुलेशन होगी वो आप लोगों ने सेपरेट पेज के ऊपर जो है परफॉर्म करनी है और वर्ड के साथ अटैच करने हैं आप लोगों ने, डायरेक्ट वैल्यूज यहाँ पे नहीं लिखनी वरना इसके नंबर आपके कटेंगे। अब आपने ये इसको देखें, अगर आपको उसमें कहा हुआ है कि जी आपने थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है इस फिगर का आपने थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाया। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट का होता है आपका वोल्टेज इक्विवेलेंट सर्किट भी कह सकते हैं उसमें, क्योंकि उसमें वोल्टेज सोर्स आ जाती है और साथ उसके सीरीज में करंट वो सीरीज में रेजिस्टेंस होती है, तो आपके पास जो करंट सोर्स था आपने उसको कन्वर्ट कर देना है वोल्टेज सोर्स के अंदर। ये आपका करंट सोर्स है, ठीक है, ये आपका करंट सोर्स है और इसमें आपने वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। वोल्टेज सोर्स में जब कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली आपका ओम्स लॉ लगेगा वी इक्वल टू आई आर वाला जो है, तो आपके पास आई आपके पास गिवन है, आर भी आपके पास गिवन है। सिमिलरली आपने करना क्या है वी थेवेनिन इक्वल टू आई नॉर्टन, आपको आई नॉर्टन पता है आर नॉर्टन भी पता है, तो आपके पास वी थेवेनिन आ जाएगा जो कि वोल्टेज सोर्स की वैल्यू होगी। आर के साथ आपने सीरीज में इसके साथ रेजिस्टेंस लगानी है जो कि आपकी आर नॉर्टन है रेजिस्टेंस, और बाकी सिमिलरली वही आपका जो करंट जो आपका लोड रेजिस्टेंस है वो आपने यहाँ पे लगा देना है पॉइंट ए और बी के दरमियान में जो कि आपका लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे ऊपर गिवन है। हमने सिर्फ इस दोनों को जो है आपने करंट सोर्स को आपने कन्वर्ट किया, आपने वोल्टेज सोर्स के अंदर कन्वर्ट किया है जो कि यहाँ पे गिवन है, और सिमिलरली इसके सीरीज में लगा दिया आपने लोड रेजिस्टेंस के। अब आपने फाइंड करना है वी ए बी, वी ए बी फाइंड करना, तो क्या यहाँ पे इसके क्रॉस वोल्टेज आपने फाइंड करनी है जो आपके वी एल है, वी एल इक्वल टू आई इंटू आर एल, करंट आपका टोटल आई जो है वो आपका जो सर्किट में से गुजर रहा है जो आपका टोटल करंट भी है, और टोटल करंट आपका कैसे फाइंड कर सकते हैं वी थेवेनिन ओवर आर एन प्लस आर एल, ये आपका दोनों रेजिस्टेंसेज आएंगे इसके अंदर जो सीरीज में बनी हुई है, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे टोटल करंट आ जाएगा, और आपका यही करंट जो है आपका अगर वो कह रहा है कि आई एल भी फाइंड कर तो यही आपका लोड करंट भी है, क्योंकि यहाँ पे जो सोर्स का जो करंट निकल रहा है वो आपका आई है और वही करंट आपका इसी लोड रेजिस्टेंस में से फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो टोटल का सर्किट टोटल सर्किट करंट जो है आपका वही आपका लोड करंट के इक्वल है जो आप लोगों ने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। अब आपने इस पार्ट में देखना है जो ये पार्ट लिखा हुआ है आर दिस वैल्यूज ऑब्टेंड इन पार्ट ए ऑफ नॉट इक्विवेलेंट सर्किट, यानी कि ये जो वैल्यू सेम है ये आपके पास जो ये वैल्यूज आई हैं वी ए बी की वैल्यू जो आपके पास आई है और आपके पास आई एल की जो वैल्यू आपके पास आई है वो जो यहाँ पे आपने कैलकुलेट की है इन जगहों के ऊपर वो दोनों सेम है, आप लोगों ने यहाँ पे अपना लिखने ओपिनियन जो है, और इसके बाद आपने कंक्लूजन लिखे हैं आप लोगों ने क्या किया इसके अंदर, और